हेलो दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त हूँ नोश्की। नोश्की जो है कोयटा से 140 किलोमीटर दूर है, और नोश्की जो फेमस है वो अपने गोल्डन डेजर्ट की वजह से है। नोश्की में जो गोल्डन डेजर्ट है वो कहते हैं कि तकरीबन UAE की तरह है। आपको पूरे बलूचिस्तान में कहीं पे भी इस तरह का डेजर्ट नहीं मिलेगा। ये वाहिद जगह है जहाँ पे आपको इस तरह का डेजर्ट मिलेगा। ओके, मेरे शुरू से दिल करता था कि मैं नोश्की आऊँ और नोश्की की जो जगह है ये देखूँ, क्योंकि ये जो है वो दुबई लगता है। दुबई तो अभी जा नहीं सकते, इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान में दुबई वाली फीलिंग आएगी, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने काफ़ी हमें फैसिलिटेट किया और यहाँ पे काफ़ी जगह दिखाई कि आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो थैंक यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नोश्की, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ है पारा भाई। पारा भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और मेरे साथ आकिब। आकिब भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ये रेत प्लस्तर वाली नहीं है। मेरे साथ अनीता भी आई है। अनीता कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली दफा सनराइज देखा। सनसेट हमने बहुत कवर किया, ग्वालियर, तुर्बत, यू नो जीवनी, तुर्बत नहीं, जीवनी एंड ग्वालियर का बहुत खूबसूरत सनसेट होता है, और यू नो क्वेटा में भी बहुत खूबसूरत सनसेट होता है, लेकिन सनराइज में कहीं भी मैंने भी नहीं देखा। और यहाँ का जो सनराइज हम लोगों ने आज देखा है ना, बहुत मजा। मतलब हम लोग 6 बजे यहाँ पे आके पहुंच गए थे और इतना मजा मैंने जिंदगी में नहीं किया। ओके, मैं इस वक्त नथु रेत, नथु रेख कहते हैं इसको। नथु जो थे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी थे जिनके नाम पे ये सारा रखा है उस जमाने में। इसकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता, गूगल करके आप देख लें। और ये रेख जो है वो रेत को कहते हैं। ये एक टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे नोश्की में। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ पे है और मैंने वीडियो बनाई और ये सब कुछ किया, अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं सिर्फ ये डेजर्ट देखने के लिए, और ये जो है ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले पैदा होते रहते हैं। ये देखो, कल पत्थर ही पत्थर, आज हमने रेत खाई है। और मेरे बूट में अभी भी 4 किलो रेत है। 2 किलो मैं निकाल चुकी हूँ, अभी भी 4 किलो है। ओके, आप लोग सोच रहे होगे अगर हम नोश्की आते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास है जंगी नावट झील, जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। सेकेंड ये प्लेस है जिसका नाम है नथु रेख, और थर्ड में है दोसे डैम, जो कि 1906 का डैम है, जो कि अंग्रेजों के दौर का है और वो बहुत कदीम जगह है। यहाँ पे आना है तो वो लाजमी देखना है। अभी हम लोग जा रहे हैं जंगी नावट झील। इस तरह की जो झील है वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये पूरे तकरीबन जब तक मुझे पता है पाकिस्तान में वाहिद जगह है जो कि डेजर्ट से सराउंडेड है और उसके बीच में झील है जो कि 10 किलोमीटर लंबी झील है। चलो ओके, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं जिस तरह वहां पे वो पानी है और रेगिस्तान के बीच में पानी आप लोगों ने पहली दफ़ा देखा होगा, मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। यहाँ पे पानी जो है वो फिलहाल कम है क्योंकि ये नेचुरल वाटर है और ये जो है बारिश के पानी से भरता है। तो अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, अब ज़्यादा बारिश होगी क्योंकि गर्मियों में रेगिस्तान में आपको पता बारिश नहीं होती। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो यहाँ पर सारा बारिश वगैरह सीन होगा, तो ये फुल भर जाएगा। नावट झील जो है ये तकरीबन नोश्की से 40 किलोमीटर्स दूर है। और एक और बात मेरे डीसी साहब ने बताई कि वो यहाँ पे एक्चुअल एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाह रहे हैं और परमिशन वगैरह सब कुछ हो गई है। यहाँ पे तकरीबन कोई आपको 5 या 6 महीने के अंदर यहाँ पे आपको हट्स दिखेंगे, खाना बनाना रेस्टोरेंट सब कुछ दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ इस झील को देखे जाते हैं क्योंकि ये यूनिक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ें बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पे आएँ। यहाँ पे 1 दिन रेस्ट करना है, 2 दिन रेस्ट करना है, जितने दिन आपने यहाँ पे रहना आप रह सकते हैं नॉर्मल खर्चे पे, जो कि आप नॉर्मल मतलब कि एक होटल में रहते हैं जो रहते हैं वही आपका बजट होगा, तो आप यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है टेंट लगा हुआ है और म्यूजिकल जो है वो बलूची सॉन्ग्स का म्यूजिक बज रहा है। यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, चेक करो।
लिए ट्रेडिशनल बलोची सजी बन रही है मटन की। और इसको बनाने का जो तरीका वो ये है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो लकड़ी जलाई जाती है और ये फॉइल है नीचे, और इसकी जो हीट है उससे ये पकता है। मेरा नाम मुर्ज़ा बलोच है, बेसिकली मैं एक कुक हूँ, शेफ हूँ। मेरा ताल्लुक नौशकी से है। आज मैं बना रहा हूँ ये जो पिकनिक पॉइंट है जंगी नावर, जो नौशकी का एक खूबसूरत मंजर है। तो इसमें मैं आज जो गेस्ट हमारे आए हैं दूर से, तो इनके लिए मैं बलोची सब्जी भी बना रहा हूँ, जो बेसिक यांग का एक अच्छा सा डिश है जो बलोची रवायत का। तो उसके साथ साथ मैं चिकन कोयला कढ़ाई भी बना रहा हूँ, नमकीन शिनवारी कढ़ाई बना रहा हूँ अफगानी। झील के किनारे एक टेंट यहाँ पे लगाया और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बलोची ट्रेडिशनल म्यूजिक सुन रहे हैं। पारा भाई जो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट चल रहा पारा भाई जी, मज़े की चाय भी चल रही है, साथ साथ लोकल म्यूजिक भी चल रहा है और हमारे पास पिस्ता भी है, एंजॉयिंग। नौशकी एक्चुअली मैं कल आया था और कल हम लोग गए थे डोसे डैम। अगर आपको वो डोसे डैम का नहीं पता, डोसे डैम 1906 में बना था। अब मैं इतना बताऊंगा, कल की फुटेज देख लो। यहाँ पे जो अभी गाड़ी फंस चुकी है और यहाँ पे मेरे पीछे जिस तरह आप देख सकते हैं रोड ही रोड है, मतलब पत्थरों से भरा हुआ है। अभी यहाँ से जो हम लोग ऑफ रोड मतलब टांगों के अपने सहारे जाएंगे, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती। कोई भी गाड़ी ले आओ, कोई भी। आज अनीता जो है ना वो एक नया रिकॉर्ड कायम करने लगी है, वो ट्रैकिंग करने के बुरके में। यस, और मैं पाकिस्तान की पहली लड़की होंगी, खातून होंगी जो बुरखे में ट्रैकिंग करी, और एक घंटे से ज्यादा चलना है। अभी चलना है एक घंटे से ज्यादा, ये अभी से गिरने के मकाम है। नजर देखो, नजर बहुत बुरी चीज होती है, नजर लग गई। अभी तक तो व्लॉग अपलोड भी नहीं हुआ, लोगों की नजर कैसे लग गई है? बस हमारे आसपास लोग बहुत, उनकी नजर लग गई। हाँ, सबसे पहले पारा, जो लोग बोलते हैं ना कि व्लॉगिंग तो ईजी है, व्लॉगिंग तो हर कोई कर सकता है, ये इस लड़की को देखिए, एक हाथ में बुरखा पड़ा हुआ है, जॉगर पहन के ऐसे 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 करके भाग रही है, एक हाथ में फोन, एक हाथ में पानी, और एक तीसरा हाथ तो नहीं है इससे। हाँ जी, इससे पानी वाले हाथ से जो है मैंने बुरखा पकड़ा, तो बहुत टफ है। टफ है, थक भी गई अभी, साथ 3 सेकंड हुए मैं चलते हुए। मैं कोई मोची नहीं मिलेगा इधर, मेरे जूते मुझे लग रहे फट रहे हैं, और इधर कोई है भी नहीं, मेरा लंडा ना जवाब दे जाए। आवाज मार, शायद कोई होए। मोची तकरीबन 1.5 घंटा हो गया चलते जा रहे हैं हम लोग, और काफी हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि पारे ने बोला इंग्लिश यूज करो, हर्डल्स बोलो, मैंने ऊबर का ऑटो बोला था, वो जा रहे हर्डल्स। चलते चलते मेरा पाँव इस तरह हो गया, मुझे लगता है आज मेरे पाँव की जो है वो मोच पक्की है भाई जान, मौत पक्की है आज, मोच पक्की। चलो आप क्यों रुक गए, चले चले। मैं बियर ग्रेट्स का कैमरामैन रह चुका हूँ। तकरीबन हम लोगों को घंटा हो गया हम लोग चलते जा रहे हैं, और अभी तक जो जगह है वो अभी तक नहीं आई है। और मैंने ये नोट किया है कि बलोचिस्तान जो है इस तरह की जो जगह है, मतलब पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों का एरिया, पहाड़ से भरा हुआ है, वहाँ पर ना तकरीबन 75-85% जगह ऐसी हैं जो कि अभी तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किए हैं। हेलीकॉप्टर पे गए होंगे, ड्रोन पे गए होंगे, लेकिन खुद पैदल चल के वो आज तक नहीं गए। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं। रास्ता है कि नहीं? नहीं है, बस फिर इधर ही रात गुजारना। वहाँ से कैसे जाओगे? ओके, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है बारिश की वजह से, रोड जो है वो जो रास्ता है वो ब्लॉक हुआ है। लेकिन मैंने कहा मैं भी चला, मैंने कहा क्यों ना ड्रोन शॉट्स ले जाएँ, और मैं ड्रोन शॉट्स ले रहा हूँ। हम लोग वापस निकल रहे हैं, और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ हमेशा वहाँ से मैं एक पत्थर उठा लेता हूँ। आज मैंने ये पत्थर उठाया अपने कलेक्शन के लिए, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ पाकिस्तान के काफ़ी एरिया में, और वहाँ के एरिया से मैं एक एक पत्थर उठा लेता हूँ। मैंने मुग़ल दौर के, मेरे पास ईंट भी पड़ी है जो कि मैंने शेखुपुरा फोर्ट से उठाई थी। अभी लंच जो हम लोगों ने सजी से किया, और भी बहुत ज़्यादा डिशेज थी, अनीता ने भी किया। अनीता कैसे लगी आपको सजी?
अच्छी लगी। मैंने वैसे लास्ट टाइम ट्राई की थी, कुछ पिछले हमारी ट्रिप में मैंने ट्राई की थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज मैंने दोबारा जब ट्राई की तो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी और मैंने बहुत ज़्यादा खाई है। यहाँ का माहौल भी इतना रिलैक्सिंग है ना, मतलब सुकून है, बहुत सुकून है। हाँ जी, ये बात कहने वाली है, सुकून बहुत है। ऊपर से फिर अपने इतना सारा जो खा लिया है ना, अब दिल करता है कि बस यहाँ पलंग खोलो और सो जाओ। ओके, मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गाइस, तुम लोगों ने एंजॉय किया? यार बहुत मजा आया, बेस्ट ट्रिप एवर। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। यार इस व्लॉग को जो बनाने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि मैं दिखा सकूं कि हमारा बलूचिस्तान जो है वो टोटली सेफ है। काफी लोग डरते हैं बलूचिस्तान आते हुए कि यार बलूचिस्तान हम नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 दिन गुजारे हैं और मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं हुआ। मैंने मेरे ये जो लाइफ के जो थे 2 बेस्ट डेज थे जो मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं, मुझे लाइक कर दो फेसबुक पे, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर दो ट्विटर पे। और मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल को मारा, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the